कराची में मुनहदम रिहायशी इमारत का मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन अहले इलाका ने इमदादी कार्रवाइयों पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। उनका कहना है जिस रफ्तार से मलबा हटाया जा रहा है उससे ये काम एक हफ्ते में भी मुकम्मल होता दिखाई नहीं देता। भाई अभी मशीनें बड़ी बड़ी आएंगी तो काम होगा। बंदे तो बहुत नीचे, पोलियो की टीम है, मजदूर है। कार आई भी थी, कार में पूरी फैमिली थी, वो पूरे लोग डब्बे में, एक रक्षा दबा हुआ है यहाँ पे। उस साइड पे कुछ नीचे जाके देखोगे कुछ लोग डब्बे में, किसी का हाथ निकला हुआ है, किसी का पैर निकला हुआ। ये तो बड़ी मशीनें आएंगी तो काम होगा, क्योंकि पूरी बिल्डिंग गिरेगी तो फिर नीचे से लोग निकलेंगे भाई। 8-9 अफराद सामने वाले घर के, काफ़ी लोग डब्बे में। काम बहुत स्लो हो रहा है, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। इसे दूसरा दिन लग गया है ये कंडीशन देखें, अभी भी काम बंद पड़ा हुआ है। इस टाइम आप टाइम देख लें क्या हो रहा है। इस तरह जो इंसान जिंदा है वो भी मैं नहीं समझता वो जिंदा रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही उन लोगों को। ऑक्सीजन मिले तो कुछ करें ना। आवाम भी इतनी है, जब आवाम काम कर रही थी उन लोगों को रोक लिया, हटा दिया गया उन लोगों को। खुद भी कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से करेंगे आप? ऐसे तो एक हफ्ता लगा देंगे, 6 महीने थोड़े से काम होंगे। ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल क्या कर रहे हैं आप? ड्रिल किधर ड्रिल कर रहे हैं? कहाँ आपकी बड़ी हैवी मशीन है, कहाँ है? इस तरह से काम होते हैं। कम से कम 100 से ऊपर अफराद इधर हैं दबा हुआ। पोलियो की टीम है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं।